नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उपस्थित हैं नगर सुहागपुर की नगर नगत्रा ग्राम पंचायत में, जहां मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत कलेक्टर महोदय यहां पर आए हैं ग्राम पंचायत में, और सभा लगी हुई है जहां पर जो स्थानीय ग्रामीण हैं वे अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर से रूबरू हो रहे हैं। कलेक्टर नीरज सिंह जो हैं वो सीधा रूबरू हो रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि क्या समस्याएं हैं और कैसे उनका समाधान किया जा सकता है। कई समस्याएं ऐसी हैं जिनका तत्काल निराकरण करने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसी ही बात की अगर देखी जाए तो PHE विभाग के माध्यम से जो नल की समस्या है उसको उन्होंने जल्दी ही तुरंत ही समाप्त करने की कोशिश की और अधिकारी को जानकारी दी। जो अधिकारी समय पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं उन पर भी सीधा फ़ोन लगा के उनको जानकारी दी, उनको फ़ोन पे ही डांटा जा रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को लेकर क्यों काम नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित क्यों नहीं है। जब बोला ना एक रात पहले आकर फिर बुलाया है तो कौन सी समस्या हो गई तुम्हें? कहाँ है घर तुम्हारा? तो सुहागपुर रुके थे कि नहीं रुके थे रात अपने घर पे? तो अपने घर पे सो सकते थे, यहाँ पे नहीं सो सकते थे? जैसा कि विदित है सुहागपुर नगत्रा ग्राम पंचायत में नर्मदापुरम जिले के कलेक्टर नीरज सिंह जी हमारे साथ हैं। दो विषय पर हम आपसे प्रकाश डालना चाहेंगे कि भू आवासीय योजना, जो कि अभी लोगों को जानकारी नहीं है क्योंकि एक बड़ा विषय है, तो इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भू अधिकार योजना लागू हुई है जिसमें कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है अथवा परिवार बड़ा हो गया है और उनको परिवार विभाजित करके नई जगह पर शिफ्ट होना है, उनके आवेदन इसमें लिए जा रहे हैं। विशेष तौर पर जो लोग भूमिहीन हैं उनको इसमें जो है लाभ दिया जाएगा। तो अभी तक पूरे ज़िले में करीब 13,000 आवेदन हुए हैं और अभी ये जो शिविर लग रहे हैं इसमें भी जो है आवेदन इसमें लिए जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा विषय है सर, चूँकि गांव में विद्युत विभाग एक बड़ी व्यवस्था है जिससे गांव में एक लोगों को बिजली मिलती है, बच्चों को पढ़ाई मिलती है, मगर कई गांव ऐसे हैं जिनमें अगर 2 से 3 ट्रांसफार्मर हैं तो तीनों के तीनों ट्रांसफार्मर या कहीं 2 ट्रांसफार्मर जो कि ग्रामीण घरेलू बिजली इस्तेमाल करते हैं वो भी ट्रांसफार्मर जले हुए हैं लंबे समय से, 2 साल 3 साल 4 साल विद्युत विभाग से जानकारी देने के बाद भी ये कार्य नहीं हो रहा है, तो इस पर इसमें एक सूची भी हम लोग के पास आई थी। विशेष तौर पर सुहागपुर क्षेत्र के कुछ ट्रांसफार्मर्स थे जो जले हुए थे, उसमें से कुछ रिप्लेस भी कराए हैं और MPB के अधिकारियों को कहा है कि जो शेष ट्रांसफार्मर्स हैं उसको जल्द प्राप्त करके उसे रिप्लेस करवाएं। मैं सोसार खेड़ा दरिंगा ग्राम दरिंगा का एक ट्रांसफार्मर है जो कि जल चुका है विगत 4 सालों से, अभी तक उसको बदला भी नहीं गया है। अच्छा, उसमें मेंटेनेंस का काम है तो मेंटेनेंस के लिए आवेदन देते हैं परंतु काम नहीं करते। मैं एक स्पेसिफिक ट्रांसफार्मर के बारे में नहीं बता पाऊंगा, जो जिले की स्थिति है उससे मैं अवगत करा सकता हूँ। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे हमारे साथ जिले के कलेक्टर नीरज सिंह थे, उन्होंने विषय पर जानकारी दी। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।